तुम प्यारे तुलबा, आज हम पढ़ेंगे तितली इस्लाम का मुकालमा जुमायत अव्वल। सबक नंबर 9 है हमारा नमाज के औकात। क्या है नमाज के औकात? हम दिन में कितनी मरतबा नमाज पढ़ते हैं? 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद जब हम अजान पहले सुनते हैं ना, नमाज पढ़ने से पहले दिन में 5 मरतबा अजान होती है, और अजान के बाद हम क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। और अजान किस किस वक्त होती है? दोपहर को होती है, सुबह सवेरे होती है, दोपहर को होती है, शाम को होती है, रात को होती है। नमाजों के नाम कौन कौन से हैं? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। हम सब नमाज पढ़ते हैं ना। आज है हमारा सबक नंबर 9 नमाज के औकात, पेज नंबर 32 एंड 33। हम आज इसकी पहले स्टोरी सुनते हैं। इसमें क्या बताया गया है? हम रोज़ाना कितनी मरतबा नमाज पढ़ते हैं? कितनी मरतबा नमाज पढ़ते हैं? आप सब बच्चों को पता है हम रोज़ाना कितनी मरतबा नमाज पढ़ते हैं? 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं। हम रोज़ाना कितनी मरतबा नमाज पढ़ते हैं? 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं ना हम रोज़ाना। जितनी मरतबा दिन में अजान होती है, हम रोज़ाना कितनी मरतबा नमाज पढ़ते हैं? जितनी मरतबा दिन में अजान होती है। हम एक दिन में कितनी मरतबा अजान सुनते हैं? चलो गिनते हैं। हम दिन में एक दिन में हम कितनी मरतबा अजान सुनते हैं? अब हम इसको गिनते हैं। सुबह सवेरे जब बिल्कुल सुबह शुरू होती है, सूरज निकलना शुरू होता है, तो अजान होती है ना सुबह सवेरे। उसके बाद दोपहर को जब हम अक्सर हम काम भी कर रहे होते हैं, स्कूलों में चले जाते हैं, अपने अपने काम में लगे होते हैं, तब दोपहर को अजान होती है। फिर दोपहर के वक्त होती है, तब भी हम काम कर रहे होते हैं कोई ना कोई, या हम लेटे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, दोपहर को भी अजान होती है। उसके बाद शाम के वक्त अजान होती है, जब सूरज ग़ुरूब हो रहा होता है तब होती है। और रात के वक्त जब अंधेरा हो जाता है तब अजान होती है। दिन में कितनी मरतबा अजान होती है और किस किस वक्त होती है? 5 वक्त मरतबा अजान होती है। कौन कौन से वक्त? सुबह सवेरे, दोपहर, सपहर, शाम, रात। हम एक दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं। हर नमाज का अलग अलग नाम होता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि इनके नाम क्या हैं? हम दिन में कितनी मरतबा नमाज पढ़ते हैं? 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं। और हर नमाज का क्या होता है? अलग अलग नाम होता है। आप जानना चाहेंगे इनके नाम क्या हैं? जो सुबह सवेरे जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, वो क्या है? फजर। सबसे पहले कौन सी होती है? फजर, फजर। उसके बाद जोहर, नून के वक्त। दोपहर के वक्त कौन सी होती है? जोहर। आफ्टरनून के वक्त, दोपहर के वक्त, असर, इवनिंग, शाम के वक्त, मगरिब, नाइट, रात को इशा। ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमेशा नमाज वक्त पर अदा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अमल बहुत अच्छी और आसान है, और वक्त पर नमाज अदा करना। नंबर 1, वक्त पर नमाज अदा करना। नंबर 2, वालन की खिदमत करना। हमेशा नमाज पढ़ने से पहले वजू करें और साफ़ सुथरे कपड़े पहने। जहाँ कोई नमाज पढ़ रहा हो वहाँ ऊंची आवाज में बात ना करें। क्या आता है क्या इसमें? नमाज के औकात में हम रोज़ाना कितनी मरतबा नमाज पढ़ते हैं? जितनी मरतबा हम दिन में अजान सुनते हैं। अजान दिन में कितनी मरतबा होती है? 5 मरतबा होती है। हम एक दिन में कितनी मरतबा अजान सुनते हैं? चलो गिनते हैं। कौन कौन सा वक्त? सुबह सवेरे, दोपहर, सपहर, शाम और रात। हम 5 वक्त अजान सुनते हैं ना। सुबह सवेरे सुनते हैं, दोपहर को, सपहर को, शाम को और रात को। हम एक दिन में कितनी मरतबा नमाज पढ़ते हैं? 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं। हर नमाज का अलग अलग नाम होता है। आप जानना चाहें कि कौन कौन से नाम हैं, तो कौन कौन से नाम हैं? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। ये बात बहुत अच्छी है कि हम हमेशा जो है वक्त नमाज वक्त पर अदा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अमल बहुत अच्छी और आसान है। दो अमल जो हैं बहुत अच्छे और आसान हैं, वो कौन कौन से हैं? नमाज वक्त पर अदा करना और वालिदैन की खिदमत करना। हमें 5 वक्त नमाज जब हम पढ़ते हैं, हमें चाहिए हम अपनी नमाज वक्त पर अदा करें। अजान हो जाए, अजान का जवाब दें और उसके बाद नमाज पढ़ें। और वालिदैन की खिदमत करना, अपने माँ बाप की खिदमत करना, उनकी बात मानना, जो वो कहें उनकी बात माने, उनको बुरा भला ना कहें।
हमेशा नमाज पढ़ने से पहले हमें क्या करना चाहिए, वुजू करना चाहिए और साफ सुथरे कपड़े पहने। जहाँ कोई नमाज पढ़ रहा हो तो हमें वहाँ पर ऊंची आवाज़ से नहीं बोलना चाहिए ताकि उसको नमाज में कोई गलती ना लग जाए। सबक नंबर 9, नमाज के औकात है। इसमें क्या बताया गया है कि हम दिन में कितनी मरतबा नमाज पढ़ते हैं, जितनी मरतबा अजान होती है हम दिन में उतनी मरतबा नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद वक्त बताया गया है किस किस वक्त अजान होती है, सुबह सवेरे होती है, दोपहर को होती है, सुपहर को, शाम को और रात को। और हर नमाज का अलग अलग नाम होता है, वो कौन कौन सा है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि दो अमल बहुत अच्छे और आसान हैं, कौन कौन से हैं, वो वक्त पर नमाज अदा करना और वालिदैन की खिदमत करना। हमेशा नमाज पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, वुजू करते हैं ना, हमें वुजू करना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए नमाज पढ़ने से पहले। और जहाँ कोई नमाज पढ़ा हो वहाँ पर ऊंची आवाज़ में बातें नहीं करनी चाहिए। हम ये काम करते हैं, हम अजान भी सुनते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम अच्छी बातों पर अमल करते हैं, बुरे कामों से बचते हैं। बेशक नमाज जो है वो हमें बुरे कामों से रोकती है, अच्छे कामों की तरफ लेकर जाती है। इसलिए आप बच्चों को भी चाहिए कि आप घर में 5 वक्त की नमाज पढ़ें और ये देखें कौन कौन सी नमाज का वक्त कब होता है, कौन कौन सी नमाज है, आप इसको याद भी करें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है दो अमल कौन कौन से हैं, वो वक्त पर नमाज अदा करना और वालिदैन की खिदमत करना, आपको ये भी काम अच्छे से करना चाहिए। ओके प्यारे तुलबा, आज हमने इसकी स्टोरी टेलिंग की है, कल हम इसकी रीडिंग करेंगे। आप सब बच्चों ने घर में इसको एक दफ़ा पढ़ना है। ओके प्यारे बच्चों।